रेडी फॉर द पूल गाइस, अभी हम एक गेम खेल रहे हैं की करी जिसके हाथ से गिर गई। राजू की आज मुझे 26 साल में पहली बार पता चला कि इसके पापा को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। और ये हमारे पापा है। और आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अरावली हिल। और इन्हें नहीं पता है कि अरावली में हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने लोकेशन मैप लगा दिया, सो लेट्स जस्ट सी क्या होता है। बाय। एंड हम पहुंच गए हैं कोर्टयार्ड बाय मैरियट रिजॉर्ट एंड पापा इज लुकिंग फॉर आवर पार्किंग। दिस इज द मेन रिसेप्शन एरिया एंड दिस इज द मेन लॉबी। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं। This is the room which is allotted to us and we are heading towards our room. So this small decoration and cake is complimentary for us from the hotel side. For any occasion, you just have to inform them that ये specific occasion है। Just have to inform them कि birthday है and ये अपने यहाँ सारा ऐसे decoration ready रखते हैं। We just have to inform them कि हम यहाँ पे birthday purpose के लिए book किए हूँ। So yes, ये ऐसे decoration and ऐसे cake वगैरह ये लोग यहाँ पे ऐसे already prepared रखते हैं। चलो तो A few moments later. So as हमने ऑलरेडी लेट चेक इन किया था, सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर द लंच फर्स्ट, उसके बाद आके वी विल डू द केक कटिंग। सो यहाँ पे ऐसे पूरा फूड बूफे लगा हुआ था टू चूज फ्रॉम, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल था एंड वी हैड आवर लंच। A few moments later. सेट। पापा मम्मी अभी थोड़ी देर के लिए नीचे चले गए थे रिजॉर्ट घूमने, तब तक मैंने ये सारी प्रिपरेशन कर ली एंड केक हमने बाद में काटने का सोचा क्योंकि हमने ऑलरेडी लेट चेक इन किया। सो आई थॉट कि केक कटिंग बाद में कर लेंगे, तब तक लंच कर लेंगे। सो सब कुछ रेडी है फॉर द केक कटिंग। जल्दी से मैं मम्मी पापा को कॉल करके ऊपर बुलाती हूँ। Thank you.
1 hour before. बर्थडे गर्ल तैयार हो गई हैं. नाइस आउटफिट. हाँ नाइस आउटफिट, लुकिंग ब्यूटीफुल. वी विल बी कटिंग द केक. करें केक कटिंग. चलो. यस आई एम सो एक्साइटेड. होपफुली अभी तक मम्मी का बर्थडे बहुत अच्छा जा रहा है. शी इज़ वेरी हैप्पी. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इन्जॉय कर रही हूँ. थोड़ा थोड़ा इनको आइडिया था बट एग्जैक्टली ये लोकेशन वगैरह नहीं पता थी कि हम कहाँ जा रहे हैं. सो आके ये सब खुश है एंड शी इज़ इन्जॉइंग. यस. ओके सो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर, तो वी आर इन आर रूम एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड पूल में जाने के लिए. बट इट्स टू हॉट आउटसाइड. सो दिस इज द पूल एरिया. अभी हम थोड़ी देर बाद नीचे जाएंगे वहाँ पे. दिस इज द एंटायर पूल एरिया. हाय गाइस, सो वी आर एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट अरावली रिजॉर्ट एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट you can book a vacation package and staycation package from the website and this resort is situated in Aravari Hills and hum safely yahan pe pahunch gaye the and this is the resort. ये पूरा फ्रंट साइड वाला पूल एरिया है. यहाँ पे किड्स के लिए ट्यूब्स वगैरह भी हैं एंड पीछे की साइड भी पूरा पूल एरिया बना हुआ है. दिखाती हूँ मैं. दिस इज़ अनदर साइड एंड बहुत सुंदर है ये पूल. ऐसे बहुत बड़ा सा है. वो वाली दूसरी साइड थी, ये पीछे वाली साइड है. एंड यहाँ पे ये एक ऑलिव ग्रूव पूल साइड बार भी बना हुआ है एंड ये पूरा एरिया यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह, ये किड सेक्शन है पूरा एंड यहाँ पे और भी सारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं. तो पूल के जस्ट साइड में ना दिस इज़ द हाइटी एरिया ऑफ द रिजॉर्ट एंड इसके टाइमिंग्स है 5:30 इन द इवनिंग टू 6:30 एंड ये पूल के जस्ट साइड में गोलगप्पे का स्टॉल, लस्सी, चाय वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे. इज़ इट? हाय, देयर आर नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दीज एक्टिविटीज़ और पूल एरिया में जो है. अगर आप यहाँ पे आओगे ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ है. देखो वहाँ पे मड वाली एक्टिविटी पे है, यहाँ पे आंटी छाछ वाली एक्टिविटी करवा रही हैं, ये भी एक है एंड यहाँ बीट द बजर एक्टिविटी भी है. उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी पूल एक्टिविटीज़ है. सो मतलब आपका अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाएगा. इतनी गर्मी में भी आप बिल्कुल बोर नहीं होगे. हाउ इज एक्सपीरियंस, कैसा लगा कोर्टयार्ड में? मैंने बहुत अच्छा लगा. मैं तो ये कहूँगी सबसे, आप लोग भी आइए. यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट सब बहुत अच्छा है, खाना पीना बहुत अच्छा है. अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी गाइस, अमेजिंग. चलो जो हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं. बन गया दिया. अभी तक गाइस हम दिए खरीदते थे लेकिन आज हमने बनाना भी सीखा. सो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे. खाट वगैरह बिल्कुल सब कुछ बहुत बढ़िया है. अब हम ये वाली एक्टिविटी कर रहे हैं, बॉल उसमें डालनी है. चलो गो. ये शायद कोई भी नहीं कर पाएगा. सब कर लेते हैं. आउट ऑफ 10 ओनली 3. फिर क्या प्राइस है? रेडी सरप्राइज. ओके 5. प्राइस मुझे नहीं चाहिए लेकिन नहीं जा पाए. नहीं 5, आप ये 5 में. हाँ हुप्स दे दो, हुप्स से हो जाएगा. हाँ अमेजिंग स्टाफ गाइस.
गाइस देखो चीटिंग ओके वेरी स्मॉल हुप्स इतने डिस्टेंस चीटिंग एक्सट्रीमली चीटिंग खुले हम चीटिंग कर रहे हैं एंड ये चलो इतने क्लोज से मम्मी ट्राई कर रही हैं इतने पास से तो चले ही जाएगा तो लो और नहीं पीछा हो जाएगा लो और नहीं चल जाएगा तो थोड़ा सा Now you are qualified for Commonwealth. हम यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज इंजॉय कर रहे हैं एंड मेरे पापा को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है वो जाके बस एक रूम में बैठ गए हैं एंड वी आर जस्ट इंजॉइंग हियर अब मम्मी ये वाली छाछ वाली एक्टिविटी कर रही हैं और मैं ये मेडल लेके घूम रही हूँ पापा तो बस एक ही जगह आके बैठ जाते हैं रूम में बैठे हुए हैं वो और हमने यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज इंजॉय करी ना इस वाले एरिया में बहुत इंजॉय किया हमने अब हम जा रहे हैं अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम चेंज करने थोड़ा सा नहाएंगे हम पूल में रेडी फॉर द पूल चलो चलो लेट्स गो फॉर द पूल चलो चलते हैं एरिया में अभी हम एक गेम खेल रहे हैं कि हम बॉल पास करेंगे मतलब मैं मम्मी और पापा एक दूसरे को बॉल पास करेंगे एंड जिसने बॉल कैच नहीं करी उसको एक डुबकी लगानी पड़ेगी दिस इज द गेम दोनों मतलब अपने में ही लगे पड़े मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती मतलब यहाँ पे ठीक है सो दिस इज द गेम जिसने बॉल कैच नहीं करी जिसके हाथ से गिर गई वो डुबकी लगाएगा ओके तो हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं चलो अपनी अपनी पोजिशन ले लो ठीक है जो जिसके हाथ से बॉल गिर गई वो डुबकी लगाएगा वन टू थ्री गो आउट आउट डुबकी लगाओ कैच कर लिया चलो ठीक है कैच कर लिया पापा ठीक है मैं डुबकी लगा रही हूँ वन टू थ्री बस इससे ज्यादा नहीं ओके चलो आपको आउट करूंगी अभी रुक जाओ रुक जाओ मेरे को पहले दे पहले सॉरी मैंने नीचे दी थी आउट 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 ओके लगाओ Thank you.
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बट स्विमिंग एक्सपीरियंस कैसा लगा? मेरा स्विमिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो है गाइस। और इनका, इसके पापा का, मैं तो देख के सरप्राइज हूँ कि आज मुझे 26 साल में पहली बार पता चला कि इनके पापा को स्विमिंग करनी आती है। स्विमिंग मुझे भी नहीं आती स्विमिंग करनी। और कैसे दूसरे लोगों को डुबकी लगा करके उनके नाक में और आंख में पानी भरना आता है, वो भी Bye guys, I'm ending this vlog and अब बस हम check out करेंगे, हम निकलेंगे थोड़ी देर में because मैंने ये vacation package किया था, it's not a staycation and आप लोग यहाँ पे vacation, staycation यहाँ पे बहुत सारे packages available हैं, इनकी website पे आप check कर सकते हो and yes, bye! So we are leaving. क्योंकि घर पे जाके भी हम थोड़ा सा celebrate करेंगे। ये मम्मी अपना केक संभालते हुए फ्रिज में। ब्लॉगर्स ना कहीं भी घुस जाते हैं, कुछ पे कोई कुछ कर रहा हो।